देश में जब से 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदम बिल पास हुआ है उसके बाद से ही देश में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की संख्या बढ़ती जा रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में लोकसभा टिकट की दावेदारी की मांग को लेकर सांचौर से प्रधान कैलाश पुरोहित ने आज प्रदेश कार्यालय लोकसभा टिकट की दावेदारी रखी। कैलाश पुरोहित ने कहा कि आज की मौजूदा हालात बहुत खराब है, स्थानीय सांसद ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे वो जनता के बीच में जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी की गारंटी की बात हो रही है। मुझे जालौर सिरोही लोकसभा से भाजपा अपना प्रत्याशी बनाती है तो मैं सभी समाज के सहयोग से जीत कर आ सकती हूं, क्योंकि हर बार वही पुराने चेहरे को टिकट देकर जनता का भी मौजूदा सांसद से ऊब गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमने बात की मौजूदा प्रधान कैलाश पुरोहित से। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज, ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता मोहम्मद नफीस की। अरे क्योंकि लगातार क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और दावेदारियां भी बहुत ज्यादा पेश की जा रही है, आज आप जालौर से आए सांचौर से टिकट की, तो क्या बात हुई, क्या लगता है आपको, क्या प्रत्याशी रहेगी आपकी जालौर के अंदर में? मैं सांचौर से श्रीमती कैलाश राजपुरोहित प्रधान हूँ। अभी 3 साल से कार्यकाल में आप सभी देख सकते हैं मेरा 3 साल से कार्यकाल में बहुत विकास किया है मैंने। आगे मेरे साथ ये पूरी सरपंच गण, पंचायत समिति सदस्य हमारे सभी साथ में आए और मैं बिल्कुल महिला होने के नाते, जो मोदी जी ने एक आरक्षण दिया है उस नाते में महिला होने के नाते लोकसभा की दावेदारी कर रही हूँ। और हमारे राजपुरोहित समाज का बहुत बाहुल्य है जालौर सिरोही में, और 2-2.5 लाख समलम है हमारे राजपुरोहित समाज, केवल उसका प्रतिनिधित्व पहली बार कर रही हूँ मैं जालौर सिरोही से। और मैं एजुकेशन में बीए एमए हूँ और कंपटीशन की भी बहुत मैंने तैयारियां कर चुकी हूँ, एजुकेशन में फुल हूँ। अच्छा, क्योंकि महिलाओं की बिल्कुल आपने बात सही की है कि 33% आरक्षण मोदी जी ने पास किया है, लेकिन आपकी जालौर की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कि जो आपके अभी वर्तमान सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं? जी जी। तो क्या आपके काम की प्राथमिकता क्या रहेगी कि उनके मुकाबले आप क्या वहाँ पर सबसे बेहतर दे सकती हैं? बिल्कुल, मुकाबले में महिला में अभी भी आप देख सकते हो जो एक एमपी ने नहीं किया वो मैंने 3 साल में प्रधान होने के नाते किया है। गाँवों में सड़कें, जो विकास है, जो गरीबों का बिल्कुल अंत्योदय अंतिम तक उदय होगा, जो भी होगा वो मतलब गरीब से गरीब का पहला विकास होगा, प्राथमिकता ये होगी। तो विधानसभा चुनाव के अंदर में बगावत के भी शुरू, जीवराम जी भी अलग चुनाव की टिकट के लिए निर्दलीय चुनाव जीत के आए, तो क्या लगता है देवजी पटेल को आप हरा पाएंगे अगर टिकट मिलता है तो? अगर निर्दलीय खड़ी होती है टिकट नहीं मिलता तो आप? नहीं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ, जनसंघ से हम जुड़े हुए हैं। पहले भी हम सरपंच, कृषि मंडी में उप चेयरमैन, अभी प्रधान हूँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल कोई निर्दलीय की बात नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी की सेवा में ही रहेंगे। जो पार्टी डिसीजन लेगी वो सर्वोपरि होगा। वैसे हमारा समाज जनसंघ से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, पुरोहित समाज से हम आते हैं। जालौर सिरोही से प्रथम पहली बार ब्राह्मण एक आवेदन कर रहा है, ब्राह्मण की बेटी आवेदन कर रही है कि हमें को लोकसभा की टिकट दी जाए, हमारा जालौर सिरोही का प्रतिनिधित्व करने दिया जाए। इसलिए हम पार्टी से मांग कर रहे हैं, आज आवेदन करने के लिए है, पहले भी आए थे, पहले भी आवेदन किया है, आज भी कर रहे हैं कि भाई हमको एक मौका, एक बार हमको मौका दिया जाए। बार बार उनको दे रहे हो तो एक बार हमको भी परखा जाए। मतलब एक राजपुरोहित समाज का प्रतिनिधित्व और राजपुरोहित समाज के होने के नाते हम डिमांड कर रहे हैं हर बार, मतलब अलग अलग समाज को दी जा रही है। अब की बार हम खुद हमारे समाज के सभी मतलब एक होके हमारे समाज के अध्यक्ष वगैरह सब हमारे साथ में हमेशा से ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे विकास के नाम पर पूरा विकास में सब जैसे तो शामिल हो जाता है, एक बात विकास की करे तो। दूसरी बात, मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा के बहुत जिम्मेदारी, लड़कियों की पढ़ाई, उनका सर्वांगीण विकास, उनके आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र, सभी के विकास की, और महिला होने के नाते उन महिलाओं का बहुत सपोर्ट करूंगी मैं, क्योंकि जी।